जरिया फाउंडेशन तर्फे शहर बागवान जरिये ट्रस्टच्या नूतन पदाधिकारी आणि संचालक मंडळाचा सत्कार करण्यात आला। जरिया फाउंडेशनच्या वतीने सोलापूर शहर बागवान जमीयत ट्रस्टचे नूतन अध्यक्ष आणि सर्व संचालक मंडळाच्या सत्काराचा कार्यक्रम 7 नोव्हेंबर रोजी रात्री 8 वाजता अचिवर्स हॉल इथं आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमाची सुरुवात मुस्लिम समाजाचे मौलाना लियाकत मौलाना ताहिर बेग यांच्या प्रवचनाने करण्यात आली। ये रौनक भरी मजलिस को लगाया और तमाम अहबाबे जमात बागवान और नौजवानों ने जमीयत बागवान अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि आज अल्लाह ताला ने हमें बागवान जमीयत के नए अहदेदार नया खून नया जोश नया जज्बा नए बलबले के साथ यहाँ जमा किया है ताकि इन लोगों को मुबारकबादी पेश की जाए और साथ ही उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाए और ये बताया जाए कि आज मुस्लिम कौम खुसूसन बागवान जमीयत के अंदर तालीमी बेदारी की रिफाई बेदारी की तिजारती बेदारी की और फलाही बेदारी की इस्लामी बेदारी की किस कदर जरूरत है। सोलापूर शहर बागवान जमीयत ट्रस्टचे नूतन अध्यक्ष डॉक्टर प्राध्यापक एम ए दलाल उपाध्यक्ष हाजी अल्ताफ उपाध्यक्ष हाजी मुस्ताक चौधरी सचिव हाजी अखलाक मर्चंट सहसचिव हाजी फैज बागवान खजिनदार हाजी इम्तियाज दलाल हाजी मुस्ताक बागवान एम राउंड हाजी मतीन बागवान हाजी सादिक बागवान हाजी फैयाज बागवान इफ्तेकार तुळजापूर अशफाक बागवान मेंबर डॉक्टर हरुण रशीद बागवान राईस नापे बागवान हाजी दाऊद बागवान तसंच लवाद कमिटीचे राजा बागवान दलाल तसंच अन्य पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार आणि नूतन संचालक मंडळाचा सत्कार जरिया फाउंडेशनचे संस्थापक नजीब शेख यांच्या हस्ते करण्यात आला। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून नाना उमनावादकर यांची उपस्थिती होती तर प्रास्ताविक नजीब शेख यांनी केलं। भगवत जमात के नूतन संचालक और लवाद के मेम्बरान का मैं यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दरिया फाउंडेशन की जो स्थापना हुई है जरूरतमंदों के लिए एक जरिया बने और ये कोई एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है अनपॉलिटिकल प्रोग्राम है और हमें उम्मीद है इस समाज की चाहे कोई जमात हो कोई कमेटी हो हम सब मिलके समाज का एक अच्छा काम करेंगे और इंशाल्लाह अगर आप सभी लोगों का साथ हो तो हम इससे अच्छे से अच्छा आगे आपको काम करके बताएंगे।